उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होना आम बात है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में नाक ही अफसरों ने कटा दी। यूपी बोर्ड की परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, जिसके चलते 12वीं की परीक्षा निरस्त हो गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट की आज दोपहर होने वाली अंग्रेजी की पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई। मथुरा समेत प्रदेश के 24 जनपदों में अंग्रेजी की परीक्षा अगली तिथि पर कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे के अनुसार इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर जनपद बलिया में आउट हुआ था। सीरीज 316 ईडी और 316 ईआई के पेपर मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ सहित 24 जिलों में भेजे गए थे, जिनके चलते परीक्षा निरस्त हुई है। पेपर लीक होने वाले जिलों की सूची इस प्रकार है: आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाजापुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली इसमें शामिल है। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? वंशिका कुमार। अच्छा, आप यहाँ पेपर देने आए थे, बलवद इंटर कॉलेज में इंटर का पेपर था, सुना होगा आपने रद्द हो चुका है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहें उस पे, अब हो गया तो हो गया रद्द, अब देखते हैं क्या होता आगे। अच्छा, तो किस तरीके से मेहनत की थी, क्या मानते हैं, पानी फिरा है? मेहनत तो खूब की थी, पानी फिर गया, अब करेंगे, दोबारा करेंगे मेहनत, किसने क्या है? क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है? अब ये तो हमें नहीं पता कौन जिम्मेदार है, कोई होगा। मैं कहाँ पेपर देने गया था, कौन सा पेपर था आपका? हिमांशु नाम है। अच्छा, कौन सा पेपर था आज आपका? अंग्रेजी का पेपर था मेरा। हाँ, क्या मानते हैं क्यों पेपर नहीं हुआ आज? मेरा पेपर था तो यहाँ थोड़ी देर जब मैं पहुँचा तो मिनिमम एंट्री हो रही थी, अचानक सब पड़ा पेपर लीक हो चुका। अच्छा, मैं कुछ कह नहीं सकता कि किसकी गलती है, पर मिनिमम प्रशासन की गलती है थोड़ी बहुत, ये जो ढिलाई बरती है उसमें प्रशासन की गलती है। तो कौन सा पेपर था आपका? अंग्रेजी का पेपर था मेरा, अंग्रेजी का। अच्छा, इंटरमीडिएट। इंटर। अच्छा, क्या मानते हैं इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं सिस्टम की? थोड़ी बहुत लापरवाही सिस्टम की भी है इसमें, और हमें इसके तो जागरूक होना चाहिए थोड़ा, और सिक्योरिटी को थोड़ा हार्ड होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से मेहनत की थी आपने, क्या मानते हैं? हाँ, मेहनत तो काफ़ी की थी हम, आप काफ़ी तैयारी करके आए थे आज, पर ऐसा ही मैंने आए तो काफ़ी सिस्टम को यूज़ पाया, और वैसे सिक्योरिटी तो अच्छी चल रही थी पेपर के खिलाफ, मतलब अच्छी चल रही थी, नकल वकल नहीं हो रही थी थोड़ी बहुत भी, पर आज पता नहीं ऐसा मेरे हिसाब से पहली बार से हुआ है। हाँ, मेरे निगाह में तो पहली बार हुआ है ना। देखिए, अभी अभी सूचना मिली है, निदेशालय स्तर पर डायरेक्टर साहब ने चिट्ठी भी जारी की है कि संभवतः जनपद बलिया में अंग्रेजी का संकेतांक जो इस कोड का था वो प्रकटन हो गया है, और इस आशंका के चलते वहां से निर्देश आ गए हैं कि जनपद मथुरा में के सहित 24 जनपदों में जो अंग्रेजी का पेपर है वो फिलहाल निरस्त कर दिया गया, वो परीक्षा तो बाद में कराई जाएगी। ये इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी। हाँ, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल जिलाधिकारी महोदय से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरे द्वारा संपर्क किया गया, जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं, संबंधित सभी स्थानों को जहाँ पर हमारे परीक्षा केंद्र हैं निर्देशित कर दिया गया है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स बस वहाँ पर पहुँच रहा है, और केंद्र व्यवस्थापकों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो बच्चे वहाँ परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उन बच्चों को पहले ही बता दिया जाए कि परीक्षा अंग्रेजी की परीक्षा बाद में प्रस्तावित तिथियों में होगी। किन किन स्कूलों में ये जो सेंटर पढ़ने थे जो निरस्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं? सभी 152 सेंटर जो हमारे हैं सभी में ये परीक्षा थी, क्योंकि ये अनिवार्य विषय है, इसलिए सभी केंद्रों में ये परीक्षा अंग्रेजी की निरस्त कर दी गई है। जहाँ तक आज सिलाई का भी पेपर है, सिलाई का पेपर हमारे यहाँ 3 केंद्रों में है, तीनों केंद्रों को निर्देशित कर दिया गया, वहाँ सिलाई की परीक्षा यथावत रहेगी।